दोस्तों, ये है गिरिडीह, जो कि झारखंड राज्य का 7वां और हमारे भारत का 182वां सबसे बड़ा शहर है। ये शहर गिरिडीह जिले के प्रशासनिक मुख्यालय के तौर पर कार्य करता है, जिसे 4 दिसंबर 1972 को हजारीबाग जिले से अलग करके बनाया गया था, तथा वर्तमान समय में यह जिला उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल के लगभग मध्य में स्थित है, जिसके उत्तर में बिहार का जमुई और नवादा जिला तथा पूर्व में देवघर और जामताड़ा जिला मौजूद है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो गिरिडीह एक खनिज समृद्ध क्षेत्र है, जहां पर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले कोयला खदान मौजूद हैं, तथा इसके अलावा यहां पर माइका या अभ्रक जैसे कुछ महत्वपूर्ण मिनरल्स पाए जाते हैं। वहीं यह पूरा जिला दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों से घिरा है, जहां पर कई जनजातीय समुदाय के लोग आज भी निवास करते हैं। यहाँ के लोग मूल रूप से ज़्यादातर धान की खेती करते हैं, जिस वजह से इस जिले की जो मेजर इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर और यहाँ पर पाए जाने वाले खनिज संसाधनों पर आधारित है। वहीं अगर बात की जाए गिरिडीह के शहरी क्षेत्र की, तो ये शहर उसरी नदी के किनारे पर बसा है, तथा उसरी नदी के किनारे पर बसे इस शहर की जो कुल आबादी है वो 2011 सेंसस के आधार पर तकरीबन 1.43 लाख निवासियों की है। अर्थात ये पूरा शहर महज 87.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां इस शहर के हर एक वर्ग किलोमीटर में लगभग 1600 लोग रहते हैं। लिंगानुपात की दृष्टि से देखें तो यहां प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 946 महिलाएं हैं। वहीं अगर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो गिरिडीह जिले की संयुक्त आबादी में 75.90% हिंदू, 20.80% मुस्लिम, 0.60% क्रिश्चियन और बाकी 2.90% अन्य धर्मों के लोग निवास करते हैं। गिरिडीह जिले का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर बात की जाए इस जिले के यातायात व्यवस्था के बारे में, तो यह जिला रेल और सड़क मार्ग के द्वारा देश के अन्य हिस्सों से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि यदि हम रेल मार्ग की बात करें तो इस जिले के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम गिरिडीह रेलवे स्टेशन है, जो माधोपुर गिरिडीह लाइन पर स्थित है, तथा यह स्टेशन ईस्टर्न रेलवे जोन के आसनसोल रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है। सड़क मार्ग, इस जिले से नेशनल हाईवे संख्या 19 होकर गुजरती है, तथा यह जिला बस के माध्यम से यात्रियों को झारखंड के छोटे बड़े शहरों से जोड़ती है। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं गिरिडीह जिले में घूमने फिरने योग्य कुछ स्थानों के बारे में। तो यहाँ पर आप पारसनाथ टेम्पल, खंडोली डैम, उसरी फॉल्स, मधुबन मंदिर, हरिहर धाम, जैन म्यूजियम और यहाँ के लोकल मार्केट्स की सैर कर सकते हैं।